हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, अब हम लोग जो कर रहे थे पिछले 3-4 ट्यूटोरियल से, वो क्या था, थ्रेड क्लास के मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने बेसिक मेथड कर लिया था, नेमिंग मेथड्स कर लिए थे, डेमन थ्रेड से रिलेटेड मेथड्स कर लिए थे, प्रायोरिटी बेस्ड मेथड्स कर लिए थे। ओके, अभी जो उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था, डेट वॉज प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन मेथड्स, मतलब वो वाले मेथड्स जो थ्रेड की एग्जीक्यूशन को रोकते हैं। ओके, जिसमें हम लोगों ने अभी तक स्लीप यील्ड हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं, डेट इज ज्वाइन मेथड। तो ज्वाइन मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो देखो, तो ज्वाइन मेथड होता क्या है, ये देखो। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि ज्वाइन मेथड बेसिकली होता क्या है। ये जे स्मॉल आ जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन मेथड बेसिकली होता क्या है, देखो, ज्वाइन मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब मैं चाहता हूं कि एक थ्रेड, मतलब एक थ्रेड जो है वो स्टॉप हो जाएगा और वो दूसरे थ्रेड का वेट करेगा कि जैसे ही वो अपना टास्क कंप्लीट करके आएगा मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा। समझ आ गई ये चीज, कोई बात नहीं, नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखो, ज्वाइन मेथड अब हमें यूज करना चाहिए, इफ अ थ्रेड वॉन्ट्स टू वेट फॉर अनदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स टास्क, देन वी शुड यूज ज्वाइन मेथड। क्लियर है पॉइंट? ये देखो, If a thread wants to join the another thread, मतलब क्या है कि मेरे पास मल्टीपल threads हैं, एक thread जो वो stop हो गया, वो wait कर रहा है कि कब दूसरा thread अपना task complete करेगा, वो task complete करने के बाद वापस आएगा और फिर मैं इस वाले thread को, जो thread wait कर रहा था वो उस thread को join कर लेगा। Clear point? कैसे, ये चीज़ देखो, real world example के through मैं आप लोगों को explain करता हूँ, वो easily समझ में आएगा। देखो, for example, जैसे आप लोग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आप लाइसेंस बनवाने के लिए गए, ठीक है। ये मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास 1 डिपार्टमेंट है, ये मेरे पास 2nd है, ये मेरे पास 3rd है। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। ओके, मेडिकल होने के बाद फिर आपका क्या होगा, टेस्ट ड्राइव होगा, टेस्ट ड्राइव आपको देनी पड़ेगी और फिर जाकर आपको क्या करना है, ऑफिसर के आपको साइन करवाने और आपके पास काम कंप्लीट हो जाए, मतलब आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास क्या है, T1 थ्रेड है, ये मेरे पास क्या है, T2 थ्रेड है, ये मेरे पास T3 थ्रेड है। ओके, एग्जैक्टली 7, 9, 10 जो भी इनका टाइमिंग होता है, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया, ये 10 बजे सारे के सारे ऑफिस में आ गए। अब मेडिकल, अब देखो T1 जो थ्रेड है, देखो सबने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया करना, ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि वेले बैठे रहेंगे, सबने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया। ओके, अब सबसे पहले क्या हुआ, T2, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल दीपक, एक पर्सन है दीपक, उसने क्या करना है, लाइसेंस बनवाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको मेडिकल करवाना पड़ेगा। अब जब मेडिकल करवा रहा है वो, तो उस टाइम पर क्या करेगा, टेस्ट ड्राइव तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि मेडिकल करवाते टाइम वो टेस्ट ड्राइव दो दो जगह तो वो ऐसे ही नहीं जा सकता। तो मेडिकल करवाते टाइम ये वाला जो थ्रेड है, T2 जो थ्रेड है, ये वेट करेगा, किस चीज़ का वेट करेगा, कि भाई T1 जो पार्ट है, T1 का जो भी टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होगा तो जाकर मैं T1 को ज्वाइन कर लूँगा और मैं एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाऊँगा। सिमिलरली जब T2 एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब T2 ने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, ये वेटिंग स्टेट के अंदर है, ध्यान रखना, तो जब T2 अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो जाकर ये जो है, ये वाला पार्ट, ये जो थ्रेड है, ये एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। क्लियर पॉइंट? यही चीज मैंने समझाया, इफ अ थ्रेड वॉन्ट्स टू वेट फॉर अनदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स टास्क, मतलब यहां पर T2 थ्रेड जो है वो वेट कर रहा है किसका, T1 थ्रेड के कंप्लीट होने का। जैसे ही T1 कंप्लीट हुआ, T1 का टास्क कंप्लीट हुआ, वो क्या होगा, T2 थ्रेड वो इसको ज्वाइन कर लेगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया आप लोगों को, और डेफिनेशन भी आई होप अब समझ में आ गई होगी कि एक थ्रेड मतलब ये वाला थ्रेड वेट कर रहा है, ये वाला थ्रेड भी वेट कर रहा है, ये वाला थ्रेड किसका वेट कर रहा है, इस थ्रेड के कंप्लीट होने का, ये वाला थ्रेड किसका वेट कर रहा है, इस थ्रेड के कंप्लीट होने का।
क्लियर है पॉइंट। जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये इसको ज्वाइन कर लेगा, जैसे ही ये कंप्लीट होगा ये इसको ज्वाइन कर लेगा, क्लियर है पॉइंट। तो इस टाइप के सिनेरियो में हम लोग ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू अब समझ में आ गया होगा कि ज्वाइन मेथड क्या होता है और हमें कब किस टाइप के सिनेरियो में हमें यूज करना चाहिए, क्लियर है पॉइंट। अब समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन एग्जांपल, इसका आप लोग ध्यान रखना, ओके ठीक है जी। अब हम लोग आ जाते हैं इसके मेथड्स पर, मेथड्स ज्वाइन के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना। ज्वाइन के लिए तीन मेथड्स बनाए गए हैं, तीन ओवरलोड मेथड, तीन ज्वाइन मेथड ओवरलोड किए हुए हैं, ध्यान रखना ये चीज। ओवरलोड क्या होते हैं, सेम नेम के मेथड्स विद इन सेम क्लास विद डिफरेंट पैरामीटर्स, ओके ये चीज मैंने पहले बताया हुआ है, पढ़ लेना, ओके चलो। तो ज्वाइन मेथड बेसिकली तीन मेथड्स बनाए हुए हैं, उनका प्रोटोटाइप क्या क्या है वो चीज समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट वन इज पब्लिक फाइनल वॉइड ज्वाइन, फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, पब्लिक फाइनल वॉइड ज्वाइन। देन ध्यान रखना ये एक्सेप्शन थ्रो करवाता है, तो थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन, हाँ जी क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट मेथड ये वाला पार्ट हो गया, डेट इज पब्लिक फाइनल वॉइड ज्वाइन थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। डेट मीन्स के ज्वाइन मेथड जो है वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हमें या तो थ्रोज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा या फिर ट्राई कैच का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना, क्लियर है पॉइंट ठीक है जी। अब सेकेंड जो मेथड मेरे पास आ जाता है डेट इज पब्लिक फाइनल सिंक्रोनाइज्ड वॉइड ज्वाइन, ये किस टाइप का मेथड है, पब्लिक फाइनल सिंक्रोनाइज्ड वॉइड ज्वाइन। देन यहां पर आ जाएगा टाइमिंग दैट इज लॉन्ग मिली सेकेंड, देन अगेन ये भी क्या काम करेगा, थ्रोस इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ओके। तो सेकेंड जो मेथड आ गया ज्वाइन मेथड, उसके अंदर क्या आ गया, लॉन्ग मिली सेकेंड, क्लियर है पॉइंट। देन थर्ड मेथड कौन सा आ जाएगा, दैट इज पब्लिक फाइनल सिंक्रोनाइज्ड वॉइड ज्वाइन, इसके अंदर भी आ जाएगा, देन लॉन्ग मिली सेकेंड कॉमा एंड नैनो सेकेंड, ओके। देन अगेन थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्लियर है पॉइंट। तो ये तीन ज्वाइन मेथड्स हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ध्यान रखना। एक ज्वाइन मेथड ये हो गया है, एक ज्वाइन मेथड ये हो गया जिसके अंदर लॉन्ग मिली सेकेंड आ गया, और एक ज्वाइन मेथड हमारे पास ये हो जाएगा जिसके अंदर लॉन्ग मिली सेकेंड कॉमा एंड नैनो सेकेंड आ जाएगा, ओके। तो ये तीन मेथड्स ओवरलोड किए हुए हैं जावा ने, क्लियर है चीज। थ्रेड क्लास के अंदर ये तीन ज्वाइन मेथड्स ओवरलोड किए हुए हैं, ओके ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग प्रोग्राम किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, वो वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज क्लास टेस्ट के नेम से, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, थ्रेड को, ओके। देन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक रन मेथड ओवरराइड करवा दिया, डेट इज पब्लिक वॉइड रन, ओके। तो ये वाला ब्रेसेस मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थ्रेड का कुछ भी टास्क परफॉर्म करवा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, अच्छा मैं यहाँ पर स्लीप मेथड का यूज़ कर देता हूँ, ओके। स्लीप मेथड मैंने आप लोगों पहले भी करवाया हुआ है, थोड़ा आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ज्वाइन मेथड किस टाइप से काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखो जैसे स्लीप मेथड के लिए भी हम लोगों को ट्राई कैच लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ट्राई देन ट्राई के बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया फॉर लूप, दैट इज एंड आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फाइव एंड आई प्लस प्लस, ओके। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज चाइल्ड थ्रेड, ये चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगा जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया एंड थ्रेड डॉट स्लीप, मैंने क्या कर दिया है, इसको स्लीप करवा दिया कितने टाइम के लिए, 1000 मिली सेकेंड के लिए, ओके। देन ये आ गया यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैच ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा येलो, और यहाँ पर मैंने कुछ भी एक्सेप्शन प्रिंट करवा दी, ओके। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ पर रब कर देता हूँ, ओके। तो अब मैं यहाँ पर क्या काम कर देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर, ये देखो ये तो मेरे पास आ गया रन मेथड, ओके। ये मेरे पास आ गया ट्राई, ट्राई के बाद कैच आ गया, और ये मेरे पास आ गया फॉर लूप, ओके ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक मेन मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिया,
ओके ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ, चाइल्ड थ्रेड मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, थ्रेड क्रिएट कर दिया एंड टी डॉट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टी डॉट स्टार्ट, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, थ्रेड को स्टार्ट करवा दिया। ओके तो ये वाला थ्रेड जो ये स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगी, चाइल्ड थ्रेड वन, फिर वो वन सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर वो क्या प्रिंट करवाएगा, चाइल्ड थ्रेड टू, देन स्लीप मोड में जाएगा एक सेकंड के लिए, फिर वापस जाएगा, फिर क्या आउटपुट दे देगा, चाइल्ड थ्रेड थ्री। तो इस टाइप से ये पार्ट एग्जीक्यूट होता जाएगा। ओके और सेम टू सेम पार्ट मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यही सेम पार्ट मैं मेन थ्रेड के लिए भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ट्राई, देन मैंने कर दिया फॉर एंड आई इक्वल्स टू वन, देन आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फाइव एंड आई प्लस प्लस। ओके ठीक है जी। और यहाँ पर भी मैंने क्या काम कर दिया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने यहाँ पर कर दिया, डेट इज मेन थ्रेड प्लस आई मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके ठीक है जी। और ट्राई के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, डेट इज कैच ब्लॉक, ये लो जी। ओके ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा मेन मेथड, और एक ब्रेसेज हमारे पास आ जाएगा क्लास के लिए। क्लियर है जी। ये हमारे पास आ गया मेन, ये हमारे पास आ गया ट्राई कैच, ये हमारे पास आ गया फॉर लूप। ओके तो अभी आउटपुट क्या आएगी, हाँ जी अभी आउटपुट क्या आएगी, ये देखो ये मेन थ्रेड क्रिएट होगा, मेन थ्रेड अपना टास्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ओके ये हो गया हमारे पास मेन थ्रेड, मेन थ्रेड ने क्या किया, एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया और उसको स्टार्ट करवा दिया। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक थ्रेड और क्रिएट हो जाएगा, और ये थ्रेड इसका नेम क्या है, डेट इज थ्रेड जीरो। तो ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट होने लग जाएगा और ये अपना टास्क कंप्लीट करने लग जाएगा। कैसे, ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, चाइल्ड थ्रेड वन, देन स्लीप मोड, देन चाइल्ड थ्रेड टू, देन एक सेकंड के लिए स्लीप मोड में जाएगा, देन अगेन चाइल्ड थ्रेड थ्री। तो इस टाइप से ये पार्ट चलता जाएगा। उसी टाइम पर ये भी आउटपुट प्रोवाइड करता जाएगा, क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, दैट इज मेन थ्रेड वन, फिर अच्छा मैंने यहाँ पर स्लीप तो लगाया ही नहीं है, तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया है डेट इज थ्रेड डॉट स्लीप, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेट इज थ्रेड डॉट स्लीप मैंने यहाँ पर लगा दिया। ओके ठीक है जी। तो मेन थ्रेड भी वो भी ऐसे ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा, डेट इज मेन थ्रेड वन, देन वो स्लीप मोड में जाएगा मेन थ्रेड टू, देन स्लीप मोड में जाएगा मेन थ्रेड थ्री। ओके तो दोनों की आउटपुट, दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दोनों की आउटपुट एक साथ आती जाएगी। ओके ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर देखो दो थ्रेड्स हैं, मेन थ्रेड एंड थ्रेड जीरो है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेन थ्रेड जो है वो वेट करे किसका, चाइल्ड थ्रेड, मतलब ये वाला जो थ्रेड है इसके कंप्लीट होने का, मतलब मैं एग्जीक्यूट होता जा रहा हूँ, ठीक है। मेन थ्रेड मतलब मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होता जा रहा है, मेन थ्रेड ने क्या किया, वो किसी एक पर्टिकुलर पोजिशन पर आने के बाद वो ये बोल रहा है कि भाई मैं तभी एग्जीक्यूट होऊंगा जब ये वाला थ्रेड जो है ये कंप्लीट कर लेगा, ये अपना टास्क कंप्लीट कर देगा, फिर जाकर मैं एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाऊंगा। क्लियर है। तो मेन थ्रेड के अंदर मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन करवाऊंगा। मेन थ्रेड के अंदर मैं क्या करूंगा, ज्वाइन मेथड का यूज करूंगा, किसके ऊपर, इस वाले थ्रेड के ऊपर, ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसके ऊपर, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर एक पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये वाला थ्रेड क्या करेगा, वेट करेगा किस थ्रेड का, इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का। तो मैं ज्वाइन वाला मेथड जो वो कहां पर यूज करूंगा, इस मेथड के अंदर, क्योंकि ये वाला मेथड जो है ये वेट करेगा और ये इसके कंप्लीट होते ही ये मेन थ्रेड जो है ये इसको ज्वाइन करेगा। तो मैं ज्वाइन मेथड यूज करूंगा मेन मेथड के अंदर, और ज्वाइन किसको करवाना है, इस वाले थ्रेड के लिए। ये वाला थ्रेड का रेफरेंस कौन सा है, ये वाला है टी। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, डेट इज टी डॉट ज्वाइन। क्लियर है पॉइंट। मैंने क्या कर दिया, यहां पर टी डॉट ज्वाइन यूज कर दिया, कहां पर, मेन थ्रेड के अंदर। क्यों, क्योंकि मेन थ्रेड वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है किस चीज का, टी क्या है, ये वाला थ्रेड है, और ये वाला थ्रेड कौन सा है, ये वाला थ्रेड है। तो मेन थ्रेड वो वेट कर रहा है टी थ्रेड जीरो के कंप्लीट होने का। जैसे ही थ्रेड जीरो कंप्लीट होगा, मेन थ्रेड वो एग्जीक्यूशन फिर से अपनी स्टार्ट कर देगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इस चीज को या तो यहां पर यूज मत करो, आप इसको ऊपर की साइड यूज कर दो,
ऊपर की साइड, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर यूज़ कर दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया जैसे टी डॉट ज्वाइन, क्लियर है पॉइंट। तो मेन थ्रेड जो है वो वेट करने लग गया किसका, इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का। और जैसे ही वो वाला थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा ये क्या काम करेगा, मेन थ्रेड जो है वो चीज़ एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो आउटपुट इसकी क्या आएगी, देखो अगर मैं ये पार्ट नहीं लिखता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट हो सकता है पहले ऐसे आ जाए थ्रेड जीरो, चाइल्ड थ्रेड वन, चाइल्ड थ्रेड टू, देन मेन थ्रेड वन, मेन थ्रेड टू, देन चाइल्ड थ्रेड थ्री, चाइल्ड थ्रेड फोर, मेन थ्रेड थ्री, मेन थ्रेड फोर, मतलब दोनों थ्रेड्स की आउटपुट एक साथ आती जाएगी क्योंकि दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट होते जाएंगे। बट जब मैंने लिखा टी डॉट ज्वाइन तो मेन थ्रेड जो वो स्टॉप हो गया, मेन थ्रेड जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप हो गया, आगे का कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट होता रहेगा, आउटपुट ये वाली सारी की सारी आउटपुट कंप्लीट होगी, फिर वापस यहाँ पर आएगा, फिर वो मेन थ्रेड को इसके साथ एग्जीक्यूट करवा देगा, क्लियर है पॉइंट। तो ये देखो ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये मेन थ्रेड हो गया, ठीक है, ये जो थ्रेड है ये वाला थ्रेड हो गया, डेट इज थ्रेड जीरो। तो मेन थ्रेड जो है वो वेट कर रहा है इसके कंप्लीट होने का, समझ रहे हो ये चीज। मेन थ्रेड जो है उसने क्या कर दिया है, टी डॉट ज्वाइन, उस मेन थ्रेड ने क्या कर दिया है, मैं यहां पर एग्जांपल दे देता हूं, ये क्या हमारे पास जैसे मेन थ्रेड है, ओके ये फॉर एग्जांपल मेन थ्रेड, ओके और ये कौन सा थ्रेड है, ये डेट इज थ्रेड जीरो, ओके। तो मेन थ्रेड जो है वो वेट कर रहा है किसका, इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या चीज, यहां पर यूज करूंगा मैं ज्वाइन का मेथड, क्लियर है पॉइंट। अच्छा ये ज्वाइन किसको करेगा, इस वाले थ्रेड को। तो इस थ्रेड का नेम क्या है, टी वन, तो जो भी नेम है इसका टी वन या फिर टी, जो भी नेम है मैं उसके थ्रू ये वाला ज्वाइन मेथड यूज करूंगा, क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ज्वाइन मेथड हमें यूज कहां पर करना है, किस ब्लॉक के अंदर करना है और किस रेफरेंस के लिए करना है, किस थ्रेड के और रेफरेंस के लिए करना है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा अगर यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि भाई पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है, थ्रेड जीरो वो एग्जीक्यूट ना हो, वो वेट करे, किस चीज़ का वेट करे, वो मेन थ्रेड का वेट करे, मेन थ्रेड जब कंप्लीट होगा तो जाकर मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, फिर क्या काम करोगे आप, ये चीज़ सोचकर देखो फिर क्या काम करोगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक कोई भी स्टैटिक रेफरेंस ले लेने, ठीक है, स्टैटिक रेफरेंस को उसका रेफरेंस, एक थ्रेड का रेफरेंस ले लेंगे स्टैटिक पार्ट, क्योंकि मेन थ्रेड के सॉरी मेन मेथड जो वो स्टैटिक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसका रेफरेंस गेट करवा दूंगा, करंट वाले थ्रेड का, मेन थ्रेड का रेफरेंस मैं गेट करवा कर उसके अंदर स्टोर कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उसका रेफरेंस प्रोवाइड करके जो भी है जैसे m डॉट ज्वाइन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो क्या करेगा, थ्रेड जीरो जो है वो वेट करेगा, किस चीज़ का वेट करेगा, मेन थ्रेड के कंप्लीट होने का। और जैसे ही मेन थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा मैं इस वाले थ्रेड को वापस से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्लियर है पॉइंट। सो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है आप लोगों को। एक थ्रेड जो वेट कर रहा है किसका, दूसरे थ्रेड का, तो आपने ज्वाइन मेथड कहाँ पर यूज़ करना है, आपने इस वाले जो वेट कर रहा है थ्रेड उसके अंदर कोडिंग पार्ट करना है, उसके अंदर ज्वाइन मेथड का यूज़ करना है, ओके। कौन सा रेफरेंस यूज़ करके, जिसका वो वेट कर रहा है थ्रेड जीरो का, जो भी रेफरेंस है थ्रेड जीरो का, रेफरेंस हमने कौन सा बनाया था, ये बनाया था डेट इज टी, तो टी के ऊपर मैं यहाँ पर ज्वाइन यूज़ करूँगा, क्लियर है पॉइंट। सो ये प्रोग्राम, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी चीज में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला प्रोग्राम एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूँ, फिर जाकर आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ देखो जैसे मैंने यहाँ पर नेटबीन्स ओपन कर दिया, तो यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज थ्रेड ज्वाइन डेमो के नेम से, ओके ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेस्ट क्लास यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया डेट इज टेस्ट के नेम से एक क्लास क्रिएट कर दी, ओके ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैं इसको पहले थ्रेड क्रिएट कर दूँ, कमेंट्स हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
एक्सटेंड्स करवा दिया डेटेस्ट थ्रेड, ओके। और फिर जाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, फॉर लूप एंड आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फाइव एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटेस्ट चाइल्ड थ्रेड, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेटेस्ट प्लस आई, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, थ्रेड डॉट स्लीप कितने टाइम के लिए, 1000 मिली सेकेंड के लिए, तो 1 सेकेंड के लिए। ये क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, तो मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, ट्राई कैच का मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ट्राई, ट्राई के अंदर मैंने फॉर लूप को पेस्ट कर दिया। एंड देन मैंने यहाँ पर लगा दिया कैच ब्लॉक एक्सेप्शन ई एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई, ओके। तो ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया है, रन मेथड के अंदर मैंने कोडिंग पार्ट कर दिया, जिसके अंदर वो चाइल्ड थ्रेड वन चाइल्ड थ्रेड टू वो इस टाइप से प्रिंट करवाता जाएगा 1 1 सेकेंड के गैप में, ओके। ठीक है, देन मैंने यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट कर दिया। मेन मेथड के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ टेस्ट क्लास का, तो टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट एंड देन मैंने कर दिया टी डॉट स्टार्ट, ओके। ठीक है, और सिमिलरली मैं यही वाला कोड किसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, मेन थ्रेड के अंदर। ये देखो, यही वाला पार्ट मैंने किसके अंदर पुट कर दिया, मेन थ्रेड के अंदर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन थ्रेड, ओके। ठीक है, अब आप इसको एक बार रन करके देखो। ये देखो, मैंने रन किया, आउटपुट क्या आ रही है, मेन थ्रेड वन चाइल्ड थ्रेड वन चाइल्ड थ्रेड टू मेन थ्रेड टू, ये देखो इस टाइप से आउटपुट आ रही है, और आउटपुट कॉन्स्टेंट नहीं आएगी, ठीक है। आउटपुट जो है वो हर बार वेरी करती रहेगी, जैसे ये देखो मेन थ्रेड वन, ये देखो मेन थ्रेड टू, पहले चाइल्ड थ्रेड आ रहा था, देख रहे हो ये चीज़, तो हर बार आउटपुट जो है वो डिफरेंट आती रहेगी, कोई किसी का वेट नहीं कर रहा, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं थ्रेड्स, ओके। बट अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेन थ्रेड जो है वो वेट करे किसका, इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का, इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का, जो थ्रेड हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेन थ्रेड को वेट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, ज्वाइन मेथड का मैं यूज़ करूँगा, किसके रेफरेंस के लिए, इस वाले रेफरेंस के लिए, क्योंकि यही थ्रेड तो ये इसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर दूंगा, डेटेस्ट टी डॉट ज्वाइन, डेट सेट, कि भाई मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। बट ये क्या बोल रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया थ्रोज फॉर एग्जाम्पल इंटरप्टेड एक्सेप्शन, क्योंकि ज्वाइन जो है वो इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है, ओके। तो ये देखो अब की बार आउटपुट क्या आएगी, ये चीज़ चेक करना। ये देखो मैंने रन किया यहाँ पर, ये देखो थ्रेड चाइल्ड थ्रेड वन चाइल्ड थ्रेड टू, पहले चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही चाइल्ड थ्रेड का टास्क कंप्लीट हुआ, मेन थ्रेड ने उसको ज्वाइन करवा लिया, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होने लग गया, देख रहे हो ये चीज़। ये हर बार अब यही आउटपुट आएगी हर बार, क्यों, क्योंकि भाई हम लोगों ने कोडिंग में क्या किया है कि मेन थ्रेड वो वेट करेगा किसके, इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का, और जैसे ही ये वाला थ्रेड कंप्लीट हो जाएगा, मेन थ्रेड उस थ्रेड को ज्वाइन कर लेगा, उस थ्रेड के पीछे पीछे वो उसके साथ एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट कर देगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये था किस चीज के लिए, ज्वाइन मेथड यूज करने का वे, किसके थ्रू, जो मेन थ्रेड यूज कर रहा है, मेन थ्रेड वेट कर रहा है, सॉरी मेन थ्रेड वो वेट कर रहा है इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का, क्लियर है पॉइंट। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये वाला थ्रेड जो है ये वेट करे किसका, मेन थ्रेड के कंप्लीट होने का, फिर कैसे करोगे, तो ये देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कर दिया, जैसे एक मैं और क्लास क्रिएट कर देता हूँ डेटस टेस्ट वन के नेम से, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट वन के नेम से मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सटेंड्स कर दिया डेटस थ्रेड, ठीक है जी। देन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रन मेथड ओवरराइड करवा दिया, एंड इसके अंदर मैंने वही वाला पार्ट कर दिया है, एंड इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ट्राई कैच प्रोवाइड कर दिया, और इसके अंदर हम लोग ट्राई कैच में इसीलिए लगा रहा हूँ बिकॉज हम लोग स्लीप मेथड का यूज़ करेंगे, ओके। देन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पहले एक फॉर लूप का यूज़ कर दिया, एंड आई इक्वल्स टू वन, आई शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू फाइव एंड आई प्लस प्लस। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेटस चाइल्ड थ्रेड देन कॉलन देन यहाँ पर मैंने कर दिया प्लस आई, ओके। ठीक है जी, अभी मैं स्लीप, हाँ चलो स्लीप मेथड का भी यूज़ कर लें, डेटस थ्रेड डॉट स्लीप कितने टाइम के लिए, 1000 मिली सेकेंड के लिए, ओके। देन यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, रन मेथड आ जाएगा,
तो सॉरी मेन मेथड आ जाएगा। मेन मेथड के अंदर मैंने यहाँ पर टेस्ट वन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, तो टेस्ट वन का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अच्छा ये जो टेस्ट वन है ये वाला है, कंफ्यूज मत होना अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ओके एंड देन टी वन डॉट स्टार्ट मैंने स्टार्ट करवा दिया, और साथ के साथ में ये वाला थ्रेड मेन थ्रेड जो है वो भी यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, सेम टास्क को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया डेट इज मेन थ्रेड। ओके तो ये देखो अब की बार जब मैं रन करूँगा आउटपुट क्या आ जाएगी, दोनों थ्रेड अभी एक साथ एग्जीक्यूट होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो ये चीज़, आउटपुट जो है वो डिफरेंट आती जाएगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो ठीक है ये चीज़, चलो ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये वाला थ्रेड वेट करे किसके लिए, मेन थ्रेड के लिए, क्लियर है। तो मुझे ज्वाइन मेथड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर है। किसके रेफरेंस के लिए, मेन थ्रेड के रेफरेंस के लिए। तो पहले आप क्या करो, मेन थ्रेड का रेफरेंस गेट करो। मेन थ्रेड का रेफरेंस कैसे गेट करवाते हैं, हाँ जी याद है, थ्रेड टी इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, ये लो जी। तो ये क्या हो गया, ये रेफरेंस हमारे पास गेट हो गया, किसका, ये मेन थ्रेड, ये लो जी मेन थ्रेड का रेफरेंस ये यहाँ पर गेट हो गया। ओके अच्छा मुझे ये मेन थ्रेड का रेफरेंस ये यहाँ पर लेकर आना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, इंस्टांस वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। एंड ये क्या बोल रहा है, स्टैटिक, ये देखो ये क्या बोल रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल मेन मेथड। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, स्टैटिक क्रिएट कर देता हूँ। ओके ठीक है जी, अब मेरे पास क्या आ गया, मेन थ्रेड का रेफरेंस आ गया, मैं मेन थ्रेड के लिए ज्वाइन करवा देता हूँ। तो ये देखो मेन थ्रेड डॉट ज्वाइन, ये लो जी। और ये वाला पार्ट किसके अंदर यूज़ करना है, हमें ट्राई कैच के अंदर। तो ट्राई कैच मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ उसके अंदर ही यूज़ कर लेता हूँ, ये लो जी। तो अब की बार देखना आउटपुट क्या आएगी, मैंने रन किया यहाँ पर, ये देखो पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, देख रहे हो ये चीज़, पहले मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड थ्रेड वेट कर रहा है, और जैसे ही मेन थ्रेड कंप्लीट हुआ चाइल्ड थ्रेड ने उसके पीछे पीछे उसको ज्वाइन करवा लिया। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, समझ में आ गया ये पार्ट। इस केस में क्या था, इस केस में मेन थ्रेड ये जो लाइन है ये वाली जो लाइन है ये कौन एग्जीक्यूट करवा रहा है, मेन थ्रेड कौन एग्जीक्यूट करवा रहा है, मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड जो है वो वेट करेगा, किसका वेट करेगा, वो इस वाले थ्रेड का, टी वाले थ्रेड का। जब तक टी वाला थ्रेड कंप्लीट नहीं कर लेता अपना टास्क, मैं वेट करता जाऊंगा। और जैसे ही इस वाले थ्रेड ने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया, वो उसके साथ साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आउटपुट थी किसमें, जो फर्स्ट वाला प्रोग्राम था, चाइल्ड थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है, मेन थ्रेड वेट कर रहा है, क्लियर है। बट इस वाले प्रोग्राम के अंदर क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले थ्रेड के अंदर ज्वाइन मेथड का यूज़ किया। तो ज्वाइन मेथड मतलब ये वाला थ्रेड जो है ये चीज़ वेट करेगा, ये वाला थ्रेड, कौन सा थ्रेड, ये वाला थ्रेड। तो ये वाला थ्रेड जो है ये वेट करेगा, किस चीज़ का वेट करेगा, ये थ्रेड मेन थ्रेड के कंप्लीट होने का। ये वाला थ्रेड जो है ये चीज़ वेट करेगा किसके, मेन थ्रेड के कंप्लीट होने का, क्यों, ज्वाइन मेथड तो हम लोगों ने ऊपर की साइड यहाँ पर यूज़ किया है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा चाइल्ड थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब के बार आउटपुट क्या आ जाएगी, ये देखो मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा और चाइल्ड थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे ज्वाइन मेथड कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, और किस रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं लाइसेंस वाला और एग्जांपल बनाकर देखता हूँ, ठीक है। तो ये देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, लाइसेंस का एक एग्जाम्पल लिया था ना, लाइसेंस डेमो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर ये पार्ट क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, तीन थ्रेड्स यहाँ पर क्रिएट किए थे। तो मैं एक काम करता हूँ, डेट इज क्लास फर्स्ट कौन सा था, डेट इज मेडिकल, ठीक है। फर्स्ट कौन सा पार्ट होगा हमारा, मेडिकल। तो यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, एक्सटेंड्स करवा दिया थ्रेड को, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, एक रन मेथड यहाँ पर ओवरराइड करवा दिया। तो पब्लिक वॉइड रन, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा टाइम लगा देंगे, 3 सेकेंड तक ये कंप्लीट होगा टास्क।
तो मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन ई, या फिर चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज मेडिकल स्टार्ट्स, मेडिकल किसी का, किसी पर्सन का मेडिकल स्टार्ट हुआ, देन मेडिकल कितनी देर तक चला, फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड के लिए मेडिकल चला, और फिर उसने क्या किया, डेट इज मेडिकल कंप्लीटेड, ठीक है उसका मेडिकल कंप्लीट हो गया। ओके तो ये एक थ्रेड का टास्क आ जाएगा, ठीक है जी। देन यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा थ्रेड हम लोग क्रिएट कर देते हैं, डेट इज क्लास टेस्ट ड्राइव के नेम से, टेस्ट ड्राइव के नेम से इसके अंदर भी सेम पार्ट मैंने कर दिया, डेट इज एक्सटेंड्स मैंने कर दिया थ्रेड को, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पब्लिक वॉइड रन, रन मेथड को मैंने ओवरराइड करवा दिया, देन ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया है, देन यहाँ पर पार्ट आ गया है, यहाँ पर मैंने ई को प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, डेट इज टेस्ट ड्राइव स्टार्ट्स, टेस्ट ड्राइव जो वो स्टार्ट हो गई, कितनी देर के लिए चली टेस्ट ड्राइव, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ड्राइव हमारी चली 5 सेकेंड के लिए, और यहाँ पर मैंने क्या करवा दिया, डेट इज टेस्ट ड्राइव कंप्लीटेड, ठीक है टेस्ट ड्राइव भी आपने कंप्लीट कर ली 5 सेकेंड के अंदर अंदर। ओके चलो देन हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट, डेट इज क्लास ऑफिसर साइन, मतलब लास्ट पार्ट क्या था, ऑफिसर के हमने साइन करवाने, तो ये वाला पार्ट आ गया, एंड देन हम लोगों ने कर दिया डेट इज पब्लिक वॉइड रन, फिर से अगेन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया डेट इज ट्राई एंड कैच ब्लॉक, एंड देन एक्सेप्शन ई एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई। ओके और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, फिर से अगेन प्रोवाइड करवा दिया डेट इज ऑफिसर टेक्स द फाइल, उसने क्या किया फाइल ली, उसने फाइल यहाँ पर चेक की, तो कितनी देर में उसने चेक कर ली, फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड के अंदर उसने फाइल चेक कर ली, और फिर जाकर उसने क्या कर दिया, ऑफिसर ऑफिसर वर्क्स कंप्लीटेड, उसने क्या कर दिया अपना काम कंप्लीट कर दिया, मतलब अब साइन हो गया, अब आपका लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर तीन थ्रेड्स यहाँ पर क्रिएट हो गए, ठीक है तीन टास्क हम लोगों के यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेन थ्रेड मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर हर एक का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, मतलब सारे के सारे थ्रेड्स क्रिएट कर देता हूँ। तो मेडिकल मेडिकल इक्वल्स टू न्यू, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया मेडिकल, एंड मेडिकल डॉट मैंने यहाँ पर क्या करवा दिया स्टार्ट मेथड का यूज कर दिया। ओके सेकंड क्या था, टेस्ट ड्राइव, टी डी कर देते हैं इसको, ठीक है याद रहेगा, एंड टेस्ट ड्राइव एंड TD डॉट अगेन मैंने क्या कर दिया स्टार्ट कर दिया, एंड देन अगेन लास्ट कौन सा पार्ट था हमारे पास, डेट इज ऑफिसर साइन, तो ऑफिसर साइन OS से ही समझ में आ जाएगा ऑफिसर साइन। ओके ठीक है जी, ऑफिसर साइन OS इक्वल्स टू न्यू ऑफिसर साइन एंड OS डॉट मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, डेट इज स्टार्ट। तो ये देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पर गलत क्या कर दिया था, एक्सटेंड्स थ्रेड मैंने यहाँ पर नहीं किया था, तो इसलिए स्टार्ट मेथड नहीं आ रहा था, बट अब की बार स्टार्ट मेथड आ जाएगा। ओके तो ये देखो, अगर आप सिंपल इस टाइप से प्रोग्राम बनाते हो तो आपकी आउटपुट आएगी सही ढंग से आएगी, ये देखो चेक करके देखो, ये देखो मैंने रन किया यहाँ पर, ये देखो तीनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, मेडिकल कंप्लीटेड ऑफिसर, मतलब सबने ही अपना टास्क एक साथ एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही है, क्या हमारा प्रोजेक्ट सही ढंग से एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ, क्लियर पॉइंट। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ज्वाइन करवाना पड़ेगा, क्लियर पॉइंट। तो ज्वाइन करवाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर ये सारे के सारे रेफरेंसेस ऊपर की साइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब की बार यहाँ पर ज्वाइन मेथड का यूज़ करूँगा। ओके ज्वाइन मेथड हम लोग वो चीज़ मेन मेथड के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर ये देखो, अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन मेथड का यूज़ करूँगा तो मेन थ्रेड, ये क्योंकि ये वाला कोड कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन थ्रेड। ओके मेन थ्रेड जो है वो वेट कंडीशन में चला जाएगा, तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं ज्वाइन मेथड का यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, और किसके लिए वो वेट करेगा, इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मेडिकल, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया मेडिकल डॉट ज्वाइन, मैंने यहाँ पर मेन मेथड को बोल दिया है
क्या चीज़ बोल दिया। अच्छा ये देखो, ज्वाइन ज्वाइन जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डेट इज थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ओके, तो मेन थ्रेड, ये देखो मेन थ्रेड ने मेडिकल का एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, मेडिकल वाले थ्रेड ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ओके, ये रहा मेडिकल थ्रेड, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, उसने अपना टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है जी, देन जैसे ही मेडिकल वाले ने अपना टास्क कंप्लीट किया, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आ गया टेस्ट ड्राइव, टेस्ट ड्राइव भी चलेगा। ठीक है, टेस्ट ड्राइव चलेगा, बट ऑफिसर जो है उसको वेट करना पड़ेगा, मतलब इस वाले थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। तो मैं अगेन यहां पर क्या कर देता हूँ, टी डी डॉट ज्वाइन कर देता हूँ कि मेन थ्रेड जो वो अगेन वेट करेगा, वेट करेगा तो भाई ये वाला जो है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो मेन थ्रेड जो है वो वेट करेगा किसका, टी डी टेस्ट ड्राइव के कंप्लीट होने का। और जैसे ही टेस्ट ड्राइव कंप्लीट हो जाएगी, ऑफिसर साइन जो है इसका थ्रेड क्रिएट होगा और ऑफिसर अपना टास्क कंप्लीट कर देगा। तो ये देखो बहुत सिंपल है, राइट क्लिक करके मैंने रन किया, तो ये देखो मेडिकल स्टार्ट हुआ, मेडिकल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हुई, फिर टेस्ट ड्राइव कंप्लीट हो गई, तो ये देखो देन ऑफिसर ने फाइल ली एंड ऑफिसर ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। देख रहे हो ये चीज, तो आउटपुट देख रहे हो, हम लोगों ने ज्वाइन मेथड के थ्रू किस टाइप से ये चीजें कंप्लीट कर ली, ये चीज देख रहे हो। मैंने ज्वाइन मेथड आप ऊपर की साइड भी लगा सकते हो, बट हमारे लिए यहां पर बड़ा इजी है यूज करना, क्योंकि मेन थ्रेड वेट कर रहा है, मेन थ्रेड वेट कर रहा है, तो भाई ये वाले थ्रेड्स तो क्रिएट ही नहीं होंगे। ठीक है, वो मेन थ्रेड वेट कर रहा है किसके, मेडिकल के कंप्लीट होने का। जैसे ही मेडिकल कंप्लीट होगा, मेन थ्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो टेस्ट ड्राइवर का एक ऑब्जेक्ट टेस्ट ड्राइव करना चाहिए था। ठीक है, तो टेस्ट ड्राइवर क्लास का उसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मतलब थ्रेड क्रिएट हो गया, उसने अपना स्टार्ट कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया, वो अपना टेस्ट ड्राइव ले रहा है 5 सेकंड के लिए। तब तक ये वाला थ्रेड जो है ये चीज़ वेट करेगा, मतलब ये थ्रेड अभी क्रिएट ही नहीं हुआ। देन जैसे ही टेस्ट ड्राइव कंप्लीट होगी, फिर से वो उस वाले थ्रेड को ज्वाइन कर लेगा एंड ऑफिसर अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप ज्वाइन मेथड का यूज़ नहीं करते हो तो प्रॉब्लम आप लोगों ने देख ही ली थी आउटपुट कैसे आ रही थी, और अब की बार देखो आउटपुट किस टाइप से आ रही है, प्रॉपर आउटपुट यहां पर आ रही है। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, इसकी डीप वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैंने दोनों वर्किंग यहां पर बता दी है कि अगर मेन थ्रेड वेट करेगा इस वाले थ्रेड के कंप्लीट होने का, तो हम लोग कोडिंग पार्ट यहां पर करेंगे किसके रेफरेंस के थ्रू, इसके रेफरेंस के थ्रू। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि थ्रेड जीरो जो है वो वेट करे इस थ्रेड के कंप्लीट होने का, तो मैं ये वाला जो ज्वाइन मेथड है ये मैं यहां पर यूज करूंगा, कहीं पर भी यहां पर यूज कर लूंगा। किसके रेफरेंस के थ्रू, मेन थ्रेड के रेफरेंस के थ्रू। तो पहले मैं मेन थ्रेड का रेफरेंस गेट करवाऊंगा और फिर जाकर मैं उसके रेफरेंस के थ्रू ज्वाइन मेथड को यहां पर यूज कर लूंगा। ओके, और थर्ड जो प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिया कौन सा, लाइसेंस के ऊपर। इसके अंदर तो मैंने प्रॉपर ही आप लोगों को ये 3 थ्रेड्स अलग अलग क्रिएट करके ही दिखा दिए। सो आई होप ये आप लोगों को प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा मेथड, मुझे ज्वाइन मेथड जो है वो कहाँ पर यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, किसके लिए, किस रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, कहाँ पर करना है, किस थ्रेड के अंदर आप लोगों को लाइन लिखनी है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? देन ध्यान रखना बाकी के जो मेथड हैं ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, बाकी के जो मेथड हैं ये भी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बस इसके अंदर टाइम लिमिट आ जाएगी कि वो उतने टाइम के बाद वो ज्वाइन कर लेगा। क्लियर है पॉइंट? उतने टाइम तक वो वेट करेगा, उतने टाइम तक वो वेट करेगा। अगर उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो ठीक है, अगर उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लिया तो मैं अपना टास्क स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो ज्वाइन में अगर मैं यहां पर क्या लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 प्रोवाइड कर देता हूँ, 1000 कर देते हैं 1 सेकेंड के लिए। तो अगर ये यहां पर काफी देर के लिए स्लीप मोड में जाता है तो ये अपना टास्क स्टार्ट कर देगा दोबारा से। क्लियर है पॉइंट? तो ये दोनों मेथड्स भी आप लोग एक बार यूज करके देख लेना। ओके, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग आगे दोबारा से कर लेंगे, कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। ओके, सो आई होप ज्वाइन की प्रॉपर डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। इफ अ थ्रेड वॉन्ट्स टू वेट,
थ्रेड जो है वो वेट कर रहा है फॉर अनदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स टास्क। क्लियर है पॉइंट? अगर कोई थ्रेड वेट कर रहा है दूसरे थ्रेड के टास्क के कंप्लीट होने का, तो जाकर हम लोग ज्वाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मेथड्स का यूज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। ओके, इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर जब मर्जी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।